गाइज इट्स मी ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो इन दिस चैनल। तो गाइज अगर आप सब भी अपने वीडियो को काइन मास्टर से एडिट करते हो, तो आप सब एडिट करने के बाद आप एक्सपोर्ट करने जाते हो वीडियो को, तो आप सब में भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सपोर्टिंग प्रॉब्लम बीच में जाकर रुक जा रहा है। तो इसको आप सब कैसे ठीक कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं यही बताया हूँ। पूरा ओरिजिनल ट्रिक है, पूरा वर्किंग ट्रिक है। ये वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपका काइन मास्टर से ये प्रॉब्लम जरूर हट जाएगा। तो इस वीडियो का आप जरूर लास्ट तक देखना, क्या कैसे करना है सारा चीज़ मैं वीडियो में बता दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपना काइन मास्टर को ओपन कर लेना, और जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको नीचे की तरफ यहां पर दिखाई देगा एक सेटिंग, तो सिंपली आपको इस सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहां पर थर्ड नंबर में ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा 3 डॉट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको रन एनालाइजिस नाउ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रन एनालाइजिस नाउ इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी वेट कर लेना है, जब तक ये पूरा प्रोसेस फुल नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा चालू हो गया है, देख सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं इसको होने देता हूँ। तो गाइज मेरा लगभग पूरा होने वाला है, तो आप में भी इसको पूरा पूरा करना, ठीक है, इसको पूरा कर लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। और तो देख सकते हो मेरा ये लगभग पूरा हो गया है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, देख सकते हो मेरा ये हो गया। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, ठीक है। और बैक आने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसको ऑन कर लेना, ठीक है। और ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे एडिट करते हो उस एडिट पर क्लिक करना है, और आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेव बटन, तो सिंपली आपको इसको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। मैं आपको दूसरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सपोर्ट। आपको फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन सेट कर लेना है, जो भी आपका डिवाइस सपोर्ट करे उस तरह का आपको फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन आपको सेट कर लेना है। और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, और आप देखोगे तो आप में इस तरह का इरर नहीं आएगा, यहाँ पर बीच में नहीं रुकेगा, या फिर आपको यहाँ पर 90% होने के बाद कट जाता है, तो वो वैसा प्रॉब्लम आप में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आप सबको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।